नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल डेली स्टडी पे। डेली स्टडी के इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने डेली स्टडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1824 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दो, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 1830 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर तीन, इनाम कमीशन की स्थापना किस ने की? इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर चार, टेनसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर पांच, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? इसका उत्तर हो जाएगा हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर छह, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? इसका उत्तर होगा विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर सात, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जोनाथन डंकन। क्वेश्चन नंबर आठ, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी में स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर नौ, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर दस, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉप को। क्वेश्चन नंबर 11, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरे जी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता व आगरा, इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा जमींदार। क्वेश्चन नंबर 20, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 21, रैयत वाड़ियत्री व्यवस्था कब लागू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 24, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टक्कर। क्वेश्चन नंबर 25, नील कृषकों की दूरदर्शी पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? इसका उत्तर हो जाएगा वायनाडा जनपद में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना के किसके कार्यकाल में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में। क्वेश्चन नंबर 28, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 29, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा 89%। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलाने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरे जी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा किसने दी? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा रिसरा, जो बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 40,
सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 41, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? इसका उत्तर हो जाएगा 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 44, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर 46, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 48, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1772 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1780 में। क्वेश्चन नंबर 50, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका उत्तर रहेगा विलियम विल्किंस ने। क्वेश्चन नंबर 51, बिजली संचलित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, साथ ही घंटे को भी क्लिक कर दे।